आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। क्लास स्टार्ट करवाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन से जाकर स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ जो बाय किया है ना 69 रुपया में, आप सभी रात को ना एक बार जाकर दोबारा अपडेट कर लीजिएगा अपना पीडीएफ, क्योंकि ना उस पीडीएफ में पंचवर्षीय योजना, टोक्यो ओलंपिक, नोबेल पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय संगठन और आपका सूचांक, ये मैंने अपडेट कर दिया। प्लस इंपॉर्टेंट बुक का मतलब क्या, जितने भी महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी हुए, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर गांधी जी, नेहरू जी, इनके द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया वो भी अपडेट कर दिए। स्टैटिक जीके मैंने ऐसा बनाया है ना, आप एग्जाम में बैठोगे तो 12 से 13 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में बनेगा। और इसके अंतर्गत ना मैं राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, राजधानी या फिर किसी भी देश के बारे में, किसी भी बैंक के बारे में वो नहीं डाल रहा हूं अभी, ठीक है। हालांकि जो जीडीपी है ना, जीडीपी ये मैं अभी नहीं डालूंगा एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले, क्योंकि जीडीपी जो है वो बराबर चेंज होता रहता है। लेकिन जो टॉपिक अभी मैंने बोला राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को लेकर, ये तो मैं आपको इसी क्लास में याद करवा दिया हूं। स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ना, हालांकि ना इसका दाम ना अभी 99 रुपए में एक दो दिन में कर दूंगा, बस ना 3000 जीके का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ रहा है उसको कंप्लीट करने का वेट कर रहे हैं, हो सके आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और जीके का भी वो क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा अलग सेक्शन बनाकर, जैसे मैंने जनरल साइंस का 850 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और 99 भी अगर दाम कर दिए तो आप बोल नहीं सकते कि भैया दाम बहुत ज्यादा है। 99 रुपए में बाबू स्टैटिक जीके, जनरल साइंस का सारा क्वेश्चन, उसके बाद से जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आता है, चार्ट जाना है। हालांकि अभी प्राइस ना 69 है, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन, 10 मिनट में क्लास खत्म करना है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, इस क्वेश्चन से सभी कोई जानते होंगे, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक चल रहा है उसमें महिलाओं की कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ऐसा ही कोई मेरा भाई बहन होगा जिनको आंसर पता नहीं होगा, आपका क्या, आपका अवानी लेखेरा ऑप्शन नंबर है। एग्जाम में पूछे ये कहां से रहने वाली है तो एकदम याद रखिएगा राजस्थान जयपुर से। बाबू जगह पूछेगा एग्जाम में कि जो भी स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीत रहा है ना टोक्यो ओलंपिक या टोक्यो पैरा ओलंपिक में, आपसे वो कहां की निवासी है एग्जाम में पूछेगा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और बाबू, लेना वही जो ना सच में चाटने वाला है, क्योंकि इस 69 रुपया बड़ा बात नहीं है, 99 रुपए बड़ा बात है कि इसके पीछे हम रात भर जग जग कर बहुत मेहनत किए हैं। और आप जब एग्जाम से निकलोगे ना तो आपको लगेगा भैया हम इतना सारा किताब पढ़े लेकिन वो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कैसे फंसता है, आपने दिखाया हमको बहुत मेहनत किए हैं। तो जो बाबू पढ़ेगा वही लेना, क्योंकि ना बहुत सारे किताब खरीदे होंगे, साइड में रख दिए होंगे, पढ़ाइए इसको, रखना मत आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा विक्रम पुरस्कार दिया गया है जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ना जो कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल, उस भारतीय टीम में ना मध्य प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी था उस टीम में, जिसका नाम क्या था, विवेक सागर। तो इसी को दिया गया है इस बार का मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार। अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, भोपाल राजधानी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मंगू भाई पटेल राज्यपाल, संजय कुमार सेठ, अभी ये नहीं है, अभी हटा दीजिए, अभी मोहम्मद रफीक है, कौन है, मोहम्मद रफीकी है अभी मुख्य न्यायाधीश, 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा, ये आप याद कर लेना। आप ईमानदारी से बोलो, एक महीना के करंट अफेयर में किसी भी राज्य के बारे में मैं कम से कम आपको 20 बार बताता हूं, 20 बार, और 3 बजे वाला क्लास जोड़ देंगे तो हर राज्य के बारे में 30-40 बार बता रहा हूं। अगर एक महीना में 30-40 बार भी कोई टीचर आपको ये चीज बता रहा है और आपको याद नहीं हो रहा है तो पता है गलती कहां पर है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप
मेरे साथ साथ एक बार दोहराइएगा ना, तो एक महीना में आपको हर राज्य के बारे में याद हो जाएगा। लेकिन आप पढ़िएगा नहीं, आप सिर्फ ये क्वेश्चन देकर निकल रहे हैं। तो आज जहां पर है एक महीना के बाद भी वहीं पर रहेंगे, तो एक महीना के बाद सब याद करना है बाबू, एग्जाम में बहुत टाइम है अभी भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सरकार पूरे देश भर में कौन से महीने को पोषण माह के रूप में मनाएगा। पोषण माह मतलब भैया, अरे जो भी गर्भवती महिला होता है, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, कोई कुपोषित पैदा ना हो, कोई कुपोषित ना हो बच्चा, ठीक है, उनके लिए पोषण माह मनाया जाता है। और इस बार का 2021 का पोषण माह कब मनाया जाएगा, किस महीने को मनाया जाएगा, सितंबर महीना को, ठीक है। सरकार बोला है ना, जितने भी आंगनवाड़ी की कर्मचारी हैं, वो घर घर जाकर ना, जो गर्भवती महिला है, जो बच्चे जन्म लिए, जो कमजोर है, उनको हर एक चीज प्रदान किया जाएगा इस स्कीम के तहत। अच्छा, अगर मैं आप सभी से एक चीज पूछूं, आपको पता है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपका अगला महीना एसएससी एमटीएस का, अगर मैं बोलूं अभी रिसेंट में कौन सा एग्जाम है एसएससी एमटीएस, तो बाबू एमटीएस में 25 नंबर का जीके आएगा। और घमंड नहीं है, मैं उस दिन दिखाऊंगा ना कि जीके से कितना क्वेश्चन फंसता है, करंट अफेयर सब मिलाकर जो हम पढ़ाए आप सभी को, मेरा अगर पूरा क्लास पूरा नोट्स आपके पास है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 और 21 की मेजबानी भारत देश करेगा, बस इतना याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा सी, और इस क्वेश्चन से कुछ नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने हुआ, देखो बाबू महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ना मिशन वात्सल्य लॉन्च किया गया, किसके लिए भैया, कोरोना महामारी में जिनके भी पति की मृत्यु हुई है ना, उन महिलाओं को इस स्कीम के माध्यम से ना, महाराष्ट्र राज्य सरकार में जितना भी स्कीम जो गरीबों को दिया जाता है, जो भी स्कीम बीपीएल स्कीम के माध्यम से जो भी स्कीम गरीबों को दिया जाता है ना, वो हर एक स्कीम का फायदा, हर एक स्कीम का फायदा जो कल्याण के लिए गरीबों के लिए दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार में, वो हर एक स्कीम का फायदा उस महिला को मिलेगा जिस महिला के पति का मृत्यु इस कोरोना वायरस में महाराष्ट्र में हुआ है, एकदम याद रखिएगा। और लेकिन ना, उस सारे स्कीम का फायदा उठाने के लिए इन महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा बोला गया है ना, अभी तक ऐसे 15,000 महिलाओं का जानकारी मिला है, महाराष्ट्र सरकार का डाटा है, जिसमें से 10,000 महिलाओं ने अपना आवेदन भर दिया है, ठीक, किस लिए, ताकि महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र राज्य में जितना भी स्कीम है कल्याण का, वो हर स्कीम का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिन महिलाओं के पति का मृत्यु हुआ है कोरोना काल में। पहला बात, किस स्कीम के तहत, तो स्कीम का नाम भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के बारे में सबको पता है। अगर मैं बोलूं महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितना है, तो भैया आप पढ़कर याद हो गए हैं, 288। मैं बोलूं लोकसभा सीट, तो आप बोलेंगे बगल में लिखिए आप कितना, 48। राज्यसभा सीट, तो आप बोलेंगे 19। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया भाई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अगर मैं बोलूं मुख्य न्यायाधीश, तो बॉम्बे का मुख्य न्यायाधीश भैया दीपंकर दत्ता है, और मुंबई हाई कोर्ट में ही ना भैया, गोवा हाई कोर्ट का भी मामला साझा किया जाता है, ठीक, और तो कुछ बचा नहीं आप सभी का, राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कच्चा भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता है, एक तो नीरज चोपड़ा थे बाबू आपको पता ही होगा, और दूसरा नाम क्या है याद रखिएगा पैरा ओलंपिक में, सुमित अंटिल, एकदम याद रखिएगा, कहां के निवासी है, तो हरियाणा का, कहां का, हरियाणा का, याद रहेगा ना आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हमारे देश के गृह मंत्री ना क्या किए हैं, इनका जहां से ये चुनाव जीते थे 2019 का लोकसभा, कहां से, गांधीनगर से, गांधीनगर में ना 7,000 महिलाओं को, जो गर्भवती महिला है, 7,000 बोला गया है, जो 7,000 गर्भवती महिला है ना,
उनको हर महीना एकदम 15 लड्डू दिए जाएंगे। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। किस लिए भैया? ताकि ना पोषण में उनका सहायता हो पाए, महिला कोई भूखी ना रहे। ये सब चीज बोला गया है, बोला गया है केंद्र मंत्री अमित शाह ने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना। लड्डू वितरण योजना कहां पर चलाया गया? गुजरात के गांधीनगर में। किसके द्वारा? हमारे देश के मुख्यमंत्री नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। क्या किया जाएगा? 15 लड्डू हर महीने दिए जाएंगे, ठीक है, कहां पर? गांधीनगर में। और आपको एक बात बता दें, इस बार का इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कुपोषित के खिलाफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक नारा दिया गया था। उस नारा क्या था पता है आपको? अगर एग्जाम में बोल देना, कुपोषित के खिलाफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला से एक नारा दिया गया था। वो नारा क्या है? तो आप बोलेंगे करंट अफेयर में कोई पढ़ाए नहीं, हम पढ़ाए, याद रखिएगा। सही पोषण देश रोशन, एकदम याद रखिएगा मेरा बात, ये वाला सही पोषण देश रोशन 1 सितंबर को पढ़ाएं ये वाला। और गुजरात के बारे में क्या बताऊं? गुजरात के बारे में भी आप सभी को पता होगा विक्रमनाथ। तो भैया विक्रमनाथ यहां का मुख्य न्यायाधीश है। राज्यपाल कौन है? तो भैया वो भी पता है, आचार्य देवव्रत। विजय रूपानी मुख्यमंत्री, राजधानी गांधीनगर। अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में विधानसभा सीट 182 है, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा सीट है। सब क्लियर ना? एकदम मेरे पीछे पीछे बोलिए। देखो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहां पर स्थापित किया गया? कर्नाटका के बेंगलोर में। और इस कंपनी का निर्माण किया गया है ओहिमम कंपनी के द्वारा। बोला गया है ना प्रतिवर्ष 500 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेगी। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल 500 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा ओहिमम कंपनी के द्वारा, और इसका प्लांट बैठाया गया है कर्नाटक के बेंगलोर में। और बोला गया जो भी हाइड्रोजन होगा ना वो CO2 फ्री, उसमें CO2 का मात्रा बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, और एक बात, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा बाबू, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ना फ्यूचर फ्यूल के रूप में हम किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। ये एग्जाम में पूछता है आप सभी से, क्योंकि आज के डेट में डीजल पेट्रोल ये सब जितना बन रहा है इससे इतना CO2 मतलब निकल रहा है, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग, पूरा धरती गर्म हो रहा है, तो सब देश का यही ध्यान है ना कि कौन कितना हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है वो बिग्रीन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्लांट कहां पर खुला है? कर्नाटक के बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत सरकार ने बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन की अंतिम अहरित वेतन के कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? 30% तक बढ़ा दिया है, याद रखिए कितना, 30% तक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट जगत में डेल स्टेन ने क्रिकेट को टाटा अलविदा कह दिया है, ये किस देश के राष्ट्र क्रिकेटर थे? तो साउथ अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर हमारा डी। आपका पहला क्वेश्चन आज का यही से निकल कर आ रहा है, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका का मुद्रा और साउथ अफ्रीका का राजधानी कैपिटल आपको कमेंट कर बताना है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब का? 1 सितंबर का। क्लास अच्छा लगा होगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे, एक लाइक कर ही जाइएगा, ठीक है, वीडियो के ऊपर। बाकी सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, कल से आज आप ज्यादा मेहनत करें पढ़ाई में, ठीक है, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा, मम्मी और पापा दोनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।